Hello, my dear children. Today I am going to narrate a story in Hindi. Would you like to know the name of the story? Let's get started. बच्चों, आज मैं आपको एक लोमड़ी और सारस की कहानी सुनाने जा रही हूँ. तो कहानी का नाम है लोमड़ी और सारस. यह बात बहुत पुरानी है. एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे. थे दोनों बहुत अच्छे दोस्त. सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था. इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई. सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत ही चालाक थी. वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी. उसे दूसरों का मजाक उड़ाने पे बहुत मजा आता था. एक दिन उसने सोचा कि क्यों न सारस को भी अपमानित किया जाए या तो उसका मजाक उड़ाया जाए. ऐसा सोचकर उसने सारस को कहा, अरे प्रिय दोस्त सारस, आज शाम को आप तू मेरे घर दावत पर आ. सारस तो बड़ा ही खुश हो गया. आज तो मेरे दोस्त ने मेरे लिए दावत रखी है. सारस ने बोला, हाँ मैं जरूर आऊंगा. सारस पूरा दिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था. शाम को वह तैयार होकर गया लोमड़ी के घर. अरे यहाँ पे क्या देखता है, उस लोमड़ी ने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा. उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता. उसे सूप न पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया? सारस बोला, नहीं मित्र, सूप तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आज मेरा पेट खराब है. सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तब वह सब समझ गया, लेकिन तब कुछ नहीं बोला. सारस गुस्से से लाल पीला हो रहा था, लेकिन तब वह चुप रहा और वो अपना अपमान सहने के साथ भूखा भी रहा. लेकिन उसने मन ही मन में ठान ली कि अब मैं लोमड़ी को मजा चखाऊंगा. जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहां दावत पर बुलाया. सारस तो लोमड़ी को मजा चखाना चाहता था और जब ही लोमड़ी आई तभी सारस ने उसका बहुत प्यार से अभिवादन किया. सारस ने दावत नदी के किनारे रखी. सारस ने भी दावत में सूप ही बनाया था और सारस ने सूप को एक सुराही में परोसा. सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस लंबी चोंच ही अंदर जा सकती थी. लोमड़ी पूरा टाइम सुराही को देखती रही, सुराही को आगे पीछे करती रही, पर वो सूप का एक घूंट पर नहीं ले पाई. इस बीच सारस ने पूछा कि क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने ही शब्द याद आ गए. लोमड़ी ने कहा कि मित्र, सूप तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आज मेरा जी नहीं है, आज मेरा खाने का मन नहीं है. लोमड़ी अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कहती भी कैसे, उसने भी तो सारस को मजा चखाने के लिए ऐसा ही किया था. तो आज उसको सबक मिल गया कि मैंने जैसा व्यवहार सारस के साथ किया
वैसा ही व्यवहार सारस ने मेरे साथ किया। और लोमड़ी चुपचाप भूखी ही अपने घर वापस चली गई। तो देखा बच्चों, खराब व्यवहार करने वाली लोमड़ी का कैसा हाल हुआ? हमें कभी भी हमारे फ्रेंड्स का यानी हमारे मित्रों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या तो उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। अपमानित नहीं करना चाहिए मतलब हमें उनको कोई भी अपशब्द, खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए। सो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। मैं आशा करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और यह सीख आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। धन्यवाद।